भारत में मुस्लिमों के लिए दूसरी शादी करना आसान नहीं है क्योंकि तीन तलाक पर वैन है। साथ ही दूसरी शादी करने के लिए कानूनी रूप से तलाक लेने के लिए लंबी प्रक्रिया है। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां दो पत्नियां रखना अपराध माना जाता है। हमारे समाज में लंबे समय से ही दो बीवी रखने को अपराध का दर्जा दिया गया है। भारत में दो बीवियां रखने पर व्यक्ति आलोचना का पात्र बन जाता है और उसे समूचा समाज शक की नजर से देखता है। लेकिन आपको बता दें, दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां दो पत्नियों के रखने पर आपको सरकार इनाम देने की घोषणा कर रही है। जी हां, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां ऐसी शादियों को प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हीं में से एक दुनिया का रईस माने जाने वाला देश जहां तेल का भंडार है, यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसे लोग यूई के नाम से भी जानते हैं। वहां की सरकार ने दो बीवी रखने पर लोगों को मकान भत्ता देने की घोषणा की है, साथ ही दूसरे इनाम देने जा रही है। आपको बता दें, सभी धर्मों में, यहां तक कि कोर्ट में भी, शादी करने पर भी धोखा देने और दूसरी औरत की ओर नहीं देखने का वचन लिया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि एक मुस्लिम देश अब खुद दो शादियां करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। हालांकि मुस्लिम धर्म के शरीयत में चार निकाय मान्य हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार यू में बीते कुछ सालों से लड़कियों की संख्या में खूब इजाफा हुआ है। ऐसे में लड़की की संख्या कम हो गई है, जिसके बाद देश में अविवाहित लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। इसको देखते हुए सरकार पुरुषों से अपील कर रही है कि वो दूसरा निकाय भी करें, जिससे लड़कियों का घर बसे। इसके लिए बाकायदा सरकार ने एक स्कीम तक बना दी है। यूई के बुनियादी ढांचा विकास मंत्री ने एक प्रोग्राम में इस बात की घोषणा की। हम आपको बता देते हैं कि मंत्री ने स्कीम की सूचना देते हुए कहा कि उनके मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति दो बीवी रखेगा उसको शेख जायज हाउसिंग कार्यक्रम के तहत मकान भत्ता दिया जाएगा, जो कि असल में दूसरी बीवी के लिए होगा। यानी यह एक पत्नी वाले परिवार को पहले से मिल रहे मकान भत्ते के अतिरिक्त होगा। दूसरी शादी करने पर डबल फायदा मिलेगा। बुनियादी मंत्री ने बताया कि दूसरी पत्नी को भी पहली बीवी की तरह ही दर्जा दिया जाएगा। आपको बता दें, मंत्री ने कहा दूसरी बीवी के लिए भी उसी तरह के रहन सहन की व्यवस्था होनी चाहिए जैसा कि पहली बीवी के लिए होती है। उन्होंने कहा कि मकान भत्ता देने से लोग दूसरी शादी करने को प्रोत्साहित होंगे और अविवाहित महिलाओं की संख्या घटेगी। मंत्रालय यह चाहता है कि दूसरी बीवी को भी पहली बीवी की तरह ही मकान मिले। गौरतलब है कि यूई में कुवारी लड़कियों की संख्या को लेकर FNC के सदस्य चिंता जता रहे हैं। कुछ सदस्यों का तो यहां तक कहना है कि लोगों के दूसरी शादी ना करने से देश पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। Oh.